स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड शुगर रिपोर्ट के बारे में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारे पास दो रिपोर्ट है, एक में बहुत ज्यादा हाई शुगर है, एक में नॉर्मल है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा रिपोर्ट में नॉर्मल है और किस में हाई है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास शुगर का रिपोर्ट जो है आया है। और ये जो है आप देख सकते हैं इनका रिपोर्ट है 275.80, जो कि रेफरेंस रेंज है 70 से लेके 160। 275 बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 275 है। तो इनको बहुत ज्यादा परहेज की जरूरत है और इनको इंसुलिन लेना चाहिए, या फिर जो है अगर टेबलेट ले रहे होंगे मेटफॉर्मिन वगैरह तो उसको उसका जो है पावर बढ़ा देना चाहिए, इससे कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि 275 काफी ज्यादा होता है शुगर, जिसके कारण उनको किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा रिपोर्ट हम लोग देखते हैं, दूसरे रिपोर्ट में कैसा रिपोर्ट आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा रिपोर्ट जो है इस तरह से ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर का है और 96.20 आया है। 96.20 मतलब कि नॉर्मल है, रेफरेंस रेंज है 70 से लेकर के 160 तक, मतलब कि 70 से लेकर 160 तक नॉर्मल रेंज है, जिसमें 96 आया है। मतलब कि ब्लड शुगर जो है रैंडम ब्लड शुगर, मतलब कि ये आप खाना खाने कभी भी खाए हो उससे कोई लेना देना नहीं है, रैंडम ब्लड शुगर कभी भी हो सकता है। और इनका देखिए, इनका कौन सा है शुगर, इनका है, इनका भी रैंडम ब्लड शुगर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड शुगर रैंडम, मतलब कि दोनों का रैंडम ब्लड शुगर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक का 275 है, दूसरे का 96 है। जिसका 96 है उसका नॉर्मल हुआ, जिसको 275 उसको बहुत परहेज करने की जरूरत है। और अगर टैबलेट से नहीं आराम हो रही हो तो इनको इंसुलिन ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा शुगर बढ़ने से किडनी खराब हो सकती है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमको बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।